ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये जो मैंने आपको दिखाया है ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई है भाइयों में, और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिकरण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र जो है जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाए। माताएं जो बैठी हैं ये बात को समझिए, ये मामूली किताब नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूं, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया, इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे। और हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के गरीब लोग, किसान, मजदूर, ये कभी नहीं होने देंगे। पहली बात ये है। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो
तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। आप अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हो, 16 लाख करोड़ रुपया भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? कितने मजदूरों का कर्जा माफ किया? कितने छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ किया? कितने बेरोजगार युवाओं का कर्जा माफ किया? गरीब व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाता है, लाखों रुपए का कर्जा हो जाता है। कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हां मैं गरीब का कर्जा माफ करूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं किया, कहा भी नहीं, किया भी नहीं। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए पता है कितना होता है? पता है कितना होता है? नहीं मालूम, मैं बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब हमारी सरकार थी। अगर आप 25 साल के लिए हर साल हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ करोगे तब 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब 25 साल हर साल किसान का कर्जा माफ, हर किसान का कर्जा माफ किया, 25 साल बाद उतना ही पैसा खर्च होगा जितना नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया। दूसरे तरीके से सुनना चाहते हैं, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। हालत यह हो गई है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास। ये देखिए स्टेज पे 22 लोग बैठे हैं, ऐसे 22 लोग हैं बीजेपी के मित्र नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, सारे के सारे वहां बैठे थे। आपने किसी गरीब मजदूर को देखा, किसान को देखा? कोई था वहां पे गरीब? ना। वहां पे हजारों करोड़ वाले आदमी थे, वहां पे बॉलीवुड के सारे एक्टर थे, वहां पे हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम बैठी थी, मगर इस देश का एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं दिखा, एक दलित नहीं दिखा, एक आदिवासी नहीं दिखा, एक गरीब के अंडरपास का नहीं दिखा। पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन होता है, नई बिल्डिंग, चमकती हुई बिल्डिंग बनती है, हजारों करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनती है, आदिवासी राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं जाता। उनसे कहा जाता है ना तुम पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आओगे और ना तुम राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आओगे। राम मंदिर और पार्लियामेंट हाउस को नरेंद्र मोदी जी खोलेंगे, कोई आदिवासी का, दलित का, पिछड़े वर्ग का किसी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखना चाहिए। और ये भाई और बहनों हुआ। और जहां भी देखो, 2-3 अरबपतियों को सारा का सारा धन दिया जाता है।
रेलवे देखो अदानी, सोलर पावर देखो अदानी, बिजली देखो अदानी, सड़क देखो अदानी, हथियार देखो अदानी, जहां भी देखो किसान के कानून बनाए अदानी अंबानी के लिए। हिंदुस्तान का हर एक किसान जानता है कि हमारे जेब से पैसा निकालने की कोशिश हो रही है। सारे के सारे खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं जो देश को भोजन दे रहे हैं, 24 घंटा खून पसीना देते हैं, वो आतंकवादी हैं। ये हालत है देश की। आप जानते हो नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हर हिंदुस्तानी युवा ये बात समझता है, जानता है।